नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं दुधई ब्लॉक के ग्राम पंचायत मठिया माफी में। जहां पे मैं मौजूद हूं, ये डकई पोखरा है। बता दें कि कुछ साल पहले जो है यहां पे एक घना जंगल हुआ करता था, जिस पे लोग जो है इस रूट से जो है आने जाने में कतराते थे, डरते थे, काफी जो है भयभीत हो जाते थे। लेकिन सरकार कि जो ये सोच है गांव को जो है एक मॉडल के रूप में विकसित करना, आदर्श गांव जो है बनाना, उसी के तहत आप देख सकते हैं यहाँ मठिया माफी में जो ग्राम प्रधान है, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं विजय सिंह, जिनके द्वारा जो है आप देख सकते हैं इस सरोवर के तहत आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना आकर्षक का ये जो केंद्र है ये बनाया गया। आपको बता दें कि पड़ौना से होके जो है तमकुर जाने वाला ये मार्ग है और इसी की जो है उत्तर दिशा में जो ये बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे अमृत सरोवर के तहत जो है यहाँ पे कार्य हुआ है और अभी प्रगति पे भी कार्य है। और क्या क्या इस ग्राम सभा में जो है ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप फिलहाल में ये देख सकते हैं जो तालाब में जो है कमल यहाँ पे आपको खिलता हुआ नजर आएगा। चारों तरफ आप चाहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि कितना सुंदर, कितना यहाँ पे सुबह में जो है यहाँ पे इस गाँव के जो लोग हैं वो टहलने के लिए भी आते हैं, काफ़ी उनको जो है अच्छा यहाँ पे लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है तालाब में यहाँ पे जो है कमल खिला हुआ है, आप देख सकते हैं पोखरे में उतरने के लिए है जो बाकायदे यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है कि जिससे जो लोग हैं वो आसानी से नीचे उतर सकें और फिर से जो है वो ऊपर चले। इसकी भव्यता जो है बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान के द्वारा जो है इससे जो है चारों तरफ से जो है बाउंड्री किया गया है, लोहे का जो है एंगल लगाया गया है, इसकी जो सुंदरता है वो काफ़ी निखरे। इसी का देन है कि हर आने जाने वाले व्यक्ति को जो है ये पोखरा अपने तरफ स्वतः आकृष्ट कर लेता है। बता दें कि ग्राम प्रधान के द्वारा देखा जा रहा है जो है लगातार अपने गांव को जो है चौमुखी जो है विकास उनके द्वारा जो है किया जा रहा है कि आज ग्राम प्रधान के द्वारा जो ये कार्य जो हुए हैं वो अपने आप में काफ़ी जो है प्रफुल्लित, काफ़ी गौरवान्वित करने वाला ये चीज़ है। और ये ब्लॉक में बता दें कि कुछ ही गांव जो चयनित हुए थे उसी गांव में जो है ये अमृत सरोवर के तहत जो है ये कार्य जो तालाब के पास कुछ बच्चे जो है खेल कूद रहे थे तो उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहां पे आके कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम है मेरा। कहां पे हैं अभी? डकई पोखरा पे आया हूं। पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला है, जंगल था पूरा, यहाँ पे कोई आता नहीं था, यहाँ पे हम खेलते हैं अब आकर। हम लोग पहले कितना डर बना रहता था मन में जब यहाँ पे जंगल हुआ करता था? अरे यहाँ बहुत जंगल था, यहाँ पे हम आते थे बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे पोखरा बन रहा था तो सब घूमते हैं हम लोग, पोखरा रास्ता है बन गया है, यहाँ पे आते हैं रोज सुबह घूमने के लिए लोग आते हैं। अभी क्या करने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे खेल रहे हैं हम लोग। तालाब में जो है कमल खिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तालाब में पोखरा खिल रहा है। आपका परिचय? मैं विजय सिंह, ग्राम प्रधान मठिया माफी, विकास खंड जनपद कुशीनगर का। डकई पोखरे को अमृत सरोवर के तहत जो है उसे भव्य रूप दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सरकार की योजना है, अमृत सरोवर सरकार की योजना में बनाना सम्मिलित था। हमने प्रयास किया है डाकनगर पोखरे को अपने अर्बन एरिया का बेहतरीन पोखरा बनवाने का काम मैंने किया है और ये मेरा प्रयास है कि ये पोखरा अपने जनपद का इकलौता ऐसा पोखरा हो। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि जो है इस पोखरे को जो है हमें सुंदरता देनी चाहिए? बस ऐसे ख्याल आ गया, हमारे ग्राम सभा का पुराना पोखरा है, सभी लोग उस टोले को डकई पोखरे के नाम से ही जानते हैं और ये किसी महाशय, किसी महापुरुष द्वारा बनवाया गया था पहले। मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं इसको ऐसे बना दूँ कि हमको भी एक दो पीढ़ी लोग याद करेंगे, यही इच्छा मन में हमारे जागृत हुई, इसी को मैं पूर्ण। डकई पोखरे के बारे में लोग बताते हैं कि पहले वहाँ पे जंगल होता था जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी डर, चारों तरफ जंगल था, इतने उसमें जब सफाई में करवाया उसका चारों तरफ टट का काम करवाया उसमें सैकड़ों की संख्या में सांप और गोजर और बिच्छू, सैकड़ों तो सांप निकले होंगे, उसके बाद गोजर बिच्छू अन्य जहरीले इतने जीव जंतु उसमें निकले, सबको लेबर और वहाँ के वासियों द्वारा मार दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद पोखरे का निर्माण हुआ, सब जंगल का सफाई करके चारों तरफ से उसको बनवाया गया। अब पहले और अब में कितना बदलाव वहाँ पे?
तो गांव के लोग ही बताएंगे। और ये ऐसा भी नहीं है पोखरा की कहीं गांव में अंदर छुपा हुआ है, मेन सड़क के किनारे है। ये पहले तो समझिए कि जंगल था अब अपने जिले का, ईश्वर ने चाहा तो ये अपने जिले का विशेष तीन चार जगहों में ये मठिया माफी का भी सरोवर आएगा। क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे? अभी तो काम अधूरा है, उसमें नाव डालवाना है, बच्चों को झूलने वूलने के लिए झूला, ये सरकने वाला ये जो कई चीज़ आता है मेरे मन में है कि मैं उसको लगवाऊंगा। पीछे अभी जमीन पड़ा हुआ है उसको भी विकसित करना है। वहाँ पे ये इच्छा है कि लोग शादी लड़कियों का दिखाओ दिखौकी उखौकी के लिए दूर जाते हैं, तो वहीं पे अपना लड़की का दिखाई सगाई वाला कार्यक्रम कर लें। आसपास उतना बड़ा पोखरा नहीं है, कितना इससे जो है आसपास के लोगों को लाभ मिल पाएगा? बहुत लाभ मिलेगा हमारे वहाँ तो, हमको लग रहा है कि अभी नाव उफड़ जाएगा तो दूर दराज के लोग भी यहाँ घूमने के लिए आएंगे। अभी मैं चारों तरफ पथवे भी बनवा दिया हूँ, लोग तीन चार बजे से उस पर पैदल टहलते भी हैं, स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। तालाब में देखा जा रहा है आपके द्वारा जो है कमल खिलाया गया है, जो आने जाने वाले व्यक्ति को जो अपने तरफ से तो आकृष्ट कर रहा है, क्या कमल तो खिला है, वो ईश्वर की कृपा से खिला है। ये मैं प्रयास किया हूँ कि कमल खूबसूरत दिखे। प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, आगे की क्या सोच है ग्राम सभा को लेकर? आगे अभी कुछ और हमको विशेष काम करना है, एक खेल मैदान बनवाना है, बाकी तो अभी छह आंगनबाड़ियों का निर्माण करा दिया हूँ। और इच्छा है कि इस प्रधानी कार्यकाल में अपने हर टोले को PCC से जोड़ दूँ। लगभग 80% में काम कर भी चुका हूँ, 20% शेष है उसको करवा के। और ये इस कार्यकाल में इच्छा हमारी यही है कि 20% जो टोले बचे हैं उसको PCC से जोड़ दूँ। सड़क हमारे गांव में कीचड़ का निशान न रहे। अभी अपने गांव में हमको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खाद गड्ढा, ये सोखता गड्ढा, RRC सेंटर का निर्माण भी करवा रहा हूँ, ई रिक्शा भी खरीदा हूँ कचरा ढोने के लिए। तो ये सभी 6 महीना के अंदर मैं अपने गांव को स्वच्छ भी बना लूँगा और हर जगह कचरे का निपटान भी करने का व्यवस्था कर लिया हूँ। 6 महीने के अंदर सब ये जमीन पे उतर जाएगा।